हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लज क्लासेस। आज हम एसएससी यूपीपी या अन्य हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लाए हुए हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ाएंगे? शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो वहां पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के देखेंगे, भाई हमने इसके पहले हमने पढ़ाया विभाजकता का नियम और उसी से रिलेटेड हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय। तो अब इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो सबसे पहले उस चीज को देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 46/9। अब हमको यानी कि 9 को हमको डिवाइड करना है 46 में। तो हम जानते हैं कि 9 5 हमारा होता है 45 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो अब हमने हम ये तो जान गए कि ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। और ये हमारा क्या है, भागफल है। ये हमारा क्या है, भागफल है। अब कंडीशन किसमें दिक्कत कर जाती है, भाज्य और भाजक को पहचानने में। तो याद रखिएगा कि भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, यानी भाज्य हमारा क्या होगा, ये होगा, और भाजक हमारा क्या होगा, 9 होगा। यानी इससे हम क्या बनाए, फार्मूला बनाए शेषफल प्रमेय का। तो हम जानते हैं कि यहां पर हमारा क्या बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर हम देखेंगे भाज्य हमारा क्या दिया हुआ है, भाज्य हमारा क्या है, 46। भाजक हमारा क्या दिया हुआ है, 9 इंटू भागफल हमारा क्या दिया हुआ है, 5 प्लस शेषफल हमारा क्या दिया हुआ है, 1। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों हमारे पार्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे देखो यहाँ हमने लिख दिया 46, 9 5 जा 45 और 45 में 1 ऐड करेंगे हमारे क्या हो जाएंगे, 46। यानी ये थ्योरम हमारी क्या होती है, करेक्ट होती है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे सबसे एक बड़ी बात है, शेषफल क्या है और इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा एक चीज आप बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि जो हमारा शेषफल होगा वो हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। क्या छोटा होगा, शेषफल। यानी जो भी चीज दी गई होगी वो हमारी क्या होगी, शेषफल 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और भाजक क्या होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूं, उसी में आपको कुछ न्यू थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा। तो रिमाइंडर यानी कि हमारे शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक और दूसरा हमारा होता है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। हमने ले लिया 46/8। अब यहां पर देखेंगे कि जैसे हमने 8 में हमने किसका भाग दिया, 46 का, तो यहां से दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक तो उसके हम क्या जाएं, नजदीक अंक में जाएं, या फिर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, 45/47 मैंने ले लिया। अब मैं यहां कहूंगा कि 47 मैंने लिख दिया और यहां मैं लिख दिया 45, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, तो हम जानते हैं इसमें हम किससे भाग कर सकते हैं, 0 से। किससे कर सकते हैं, 0 से। तो यहां हमारा क्या आएगा, 0 और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 45। यदि इसको मैं ये चीज ना करूं, मैं लिख दूं 47 45 और यहां मैंने क्या किया, एक बार भाग दे दिया और मैंने लिख दिया 47, तो मैं कहूंगा इसको घटाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो हमने यहां से कितने हमने रिमाइंडर निकाले, एक हमारा क्या निकला, पॉजिटिव, एक हमारा क्या निकला, निगेटिव। तो रिमाइंडर हमारे 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव और कौन होगा, निगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में यदि हमारे कभी भी पूछा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे।
तो अब देखते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 47 में हमने 45 का डिवाइड किया। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हमारा भाजक भाग, जब कभी भी हमारी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा हर का अंक है या फिर हमारा भाजक दिया हुआ है, जब हम भाज में भाग देंगे तो एक चीज का याद रखना है कि जब हम भाग देंगे तो जो हमारा भाजक होगा वो क्या होगा, यदि हमारा भाज्य से बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव बचेगा। यदि हम माइनस में जाना चाहते हैं तो एक बार हम ले जाएंगे और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वन बचेगा, माइनस टू बचेगा। अब यहाँ यदि कह दिया जाए कि अब हमको यहीं से ही हमको पॉजिटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं 47 में निगेटिव रिमाइंडर को हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। याद रखना जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें यदि हम निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम टू सेम हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिया हुआ है 46/8। तो देखो यहां पे 8 को 2 टाइप से डिवाइड दे सकते हैं, 8 5 40, यहां पर हमारा बचता है 6। लेकिन इसके नजदीक जाने की बात करें तो 8 का यदि हम डिवाइड देंगे 46 में तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 6 बार, यहां हमारा बचेगा 48। यहां हमारा माइनस का रिमाइंडर आ गया, माइनस का 2। अब यहां देखो एक हमारा क्या है, पॉजिटिव है और दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव है। तो वहां पे जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारा हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वाला ही लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 राइट होगा। यदि मैं कह दूं किसी ने पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाला, उसने निगेटिव रिमाइंडर निकाल के रखा है, तो पॉजिटिव कैसे निकाले, तो हमने बताया जिससे हम भाग देते हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 8 में हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 6 बच गया। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 65/15, 47/17, 33/13। अब इन क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है तो हम जानते हैं कि यदि हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको 65 यानी 65 के पास जाना है, तो 15 चको क्या होगा, 60, और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमको लेना था तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 47 यानी 47/17। तो अब यहाँ पर 17 का हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखेंगे हमको नजदीक जाना है, तो नजदीक जाना है तो 17 17 34 17 51। तो हम 3 बार जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 51 यानी 51, और ये इसको हमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, 51 में 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हम माइनस में जाएंगे क्योंकि हम आगे गए हैं, तो हमारा माइनस का क्या बचेगा, 4। अब मैंने कह दिया हम उसको पॉजिटिव निकालना है तो हम 17 में क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 17 - 4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 13। यानी जो हमारा धनात्मक शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा, 13 दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 33/13, तो सेम ऐसे ही इसको करेंगे, 33/13 दिया हुआ है तो 13 13 10 26। तो अब यहां देखेंगे 26 जा रहा है, 13 दिया क्या जा रहा है, 39, तो 39 उससे आगे जा रहा है तो कितना आगे होगा, हमने याद किया 39 यानी 39 हमारा दिया हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे ये इससे कितना ज्यादा है, 6, तो माइनस का रिमाइंडर क्या आया, 6, और हमको पॉजिटिव निकालना है तो क्या करेंगे, 13 में 6 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और 13 में 6 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हमारा होगा, 7 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बिग पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल दे रखे हैं 62 × 106/21 यानी 62 × 106/21। अब यहां पर 21 का भाग करना है तो देखेंगे 21 का भाग हम अलग अलग करेंगे, यानी 62/21 ×
106 अपान 21, 21 से काटेंगे 21 से यहाँ 63 होता है, यानी माइनस का एक एक्स्ट्रा हम आगे चले गए तो माइनस का एक बचा, इनटू यहाँ पर हम देखेंगे जब जैसे ही हम इस पर भाग करेंगे तो 21 पंचे एक सुमांच यहाँ हमारा क्या बचता है, प्लस का एक बचता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा क्या आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन अपान क्या हो जाएगा हमारा 21। तो हमने बताया था जब भाग देते हैं तो जब हमारा ये हमारा जिसमें जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा बड़ा है तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस वन, लेकिन ये तो हमारा माइनस पे दिया, हमको प्लस पे निकालना है, तो प्लस की कंडीशन में निकालने के लिए क्या करते हैं, 21 माइनस एक, तो हमारा जो हमारा धनात्मक शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा, 20 होगा। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 39 इंटू 54 इंटू 69 इंटू 54 अपान में दिया हुआ है 17। अब देखेंगे 17 का भाग 39 में देंगे, 17 दुनी 34 हमारा क्या बचता है, 5 बचता है, 17 तीना 51 यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 17 चुको 68 यहाँ हमारा 1 बचेगा, 17 त्रिक 51 हमारा 3 बचेगा, अपान में क्या दिया हुआ है 17, यहाँ से 5 तीना 15, 15 तीना क्या हो जाएगा 45 अपान 17। अब 17 का भाग करेंगे 17 दुनी 34, 17 तीना 51, तो 51 हमारा आता है, 51 की कंपेयरिंग इससे करेंगे तो कितना ज्यादा जा रहा है 6, तो हमारा रिमाइंडर माइनस में है क्योंकि बिग पे हमने दिया था तो माइनस 6 हो गया, और 17 में हम 6 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11, तो हमारा जो धनात्मक शेषफल होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 11। तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले हो गए, ऐड वाले देख लेते हैं, तो हमारे ऐड के एग्जांपल यानी जोड़ में दिए हुए हैं 155 प्लस 168 अपान 11, तो 11 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 6 5 11 1 12 और 1 1 2 हमारे हो जाएंगे 3, अपान हमको 11 से भाग करना है तो 11 दुनी हमारा क्या हो जाएगा 22, यानी हम डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देते हैं 13 दुनिया हमारा क्या हो गया 22, घटाएंगे हमारा आएगा 103, 13 दुनिया हमारा क्या हो जाएगा 99, तो यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करेंगे 13 में 9 गए, 9 4 13 और यहाँ हमारा 9 में 9 गया कुछ नहीं, तो ये हमारा क्या था पॉजिटिव रिमाइंडर, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4 राइट होगा। इसी तरह हमारा सेकेंड दिया हुआ है 127 प्लस 139 प्लस 12653 प्लस 79 प्लस 18769 बटे में 5 दिया हुआ है, तो बस 5 से बिल्कुल सिंपल हो गया, 5 के नजदीक यहाँ पर देखेंगे 5 से कितना ज्यादा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, 5 से कितना ज्यादा है 4, मैंने 4 लिखा, मैंने निगेटिव नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव से ही हल कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 गुणी 10 होता है 0 से कितना ज्यादा है 3, यहाँ पर 5 से कितना ज्यादा है 4 और यहाँ पर 5 से कितना ज्यादा है 4, अपान में मैंने क्या लिख दिया 5, ऊपर काम क्या करेंगे जोड़ेंगे 4 8 4 3 12 और 12 5 हमारे क्या हो जाएंगे 17, 17 अपान क्या हो जाएगा 5 और 5 से जब हम काटेंगे तो 5 3 15 और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 2। ये हमारा पॉजिटिव था तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हमारा 2। तो अब अगले जो हमारा अगला पार्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम का, उसमें हम आपको फैक्टोरियल से जुड़े हुए सवाल बताएंगे, यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल ऐसे क्वेश्चन हमारे दिए गए होंगे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना आपको बताएंगे, जैसे दे दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब फैक्टोरियल क्या होता है ये भी हम बताएंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आपकी वीडियो आज की कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,